हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफी दिन हो गए थे रेकमेंडेशन वीडियो लाए, और वो भी स्पेशली वेब सीरीज रेकमेंडेशन। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो अपलोड कर ही दें वेब सीरीज रेकमेंडेशन पर। आप इसे एज ए रेकमेंडेशन भी ले सकते हो, या फिर स्पेसिफिक जोनरा के लिए मेरी पर्सनल फेवरेट इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट। और मैं जिस जोनरा के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो है स्पाई थ्रिलर, मेरे कुछ टॉप फेवरेट जोनराज में से एक, जिसमें एक एजेंट अपने देश को बचाने के लिए ऐसे ऐसे मिशन कंप्लीट करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो मेरी लिस्ट है, इसमें मैंने अपने टॉप 5 स्पाई थ्रिलर इंडियन वेब सीरीज आपके साथ शेयर किए हैं। और ये एक रैंक्ड वीडियो है जिसमें मैंने सभी सीरीज मेरे पर्सनल ओपिनियन और IMDb रेटिंग के हिसाब से रैंक की है। तो अब आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधा जानते हैं कौन सी है टॉप 5 स्पाई थ्रिलर इंडियन वेब सीरीज। लिस्ट में नंबर 5 पर है इमरान हाशमी स्टारर बार्ड ऑफ ब्लड। सीरीज का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन रिलीज हुआ है, जिसमें 45 टू 50 मिनट लॉन्ग टोटल 7 एपिसोड्स हैं। सीरीज का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगा, वो है इमरान हाशमी की एक्टिंग एंड इसकी सिनेमेटोग्राफी। सीरीज को एक काफी बड़े स्केल पर शूट किया गया है, जो कि इसे एक बार किसी हॉलीवुड सीरीज जैसी फील भी दे देता है। लेकिन जहां पर ये वेब सीरीज मार खा जाती है, वो है इसकी स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले। 7 एपिसोड्स होने के बाद भी ये सीरीज आपको काफी जगह बोर कर देती है। काफी बार लगता है कि यार ये एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए अगर 7 एपिसोड्स की जगह 4 या फिर 5 एपिसोड्स होते तो ये सीरीज काफी हद तक बेटर हो सकती थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे देख नहीं सकते। इट्स वन टाइम वॉचेबल सीरीज। IMDb पर इसे मिली है 6.9 रेटिंग, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 4 पर है 8 एपिसोड्स के साथ Z5 पर अवेलेबल स्टेट ऑफ सीज 2611। 2611 सुनते आपको पता चल गया होगा कि मुंबई पर हो चुके टेररिस्ट अटैक पर फोकस्ड है। 2611 इंसिडेंट पर इंडिया में ऑलरेडी काफी सारी मूवीज बन चुकी है, बट इस बार इसे सीरीज के फॉर्म में दिखाया गया है। सीरीज काफी अच्छी है, बट जो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो है इस सीरीज की डिटेलिंग। सीरीज वो टेंशन क्रिएट नहीं कर पाती जो उस टाइम उस सिचुएशन में रही होगी। साथ ही ये सीरीज आपको इमोशनल अटैच भी नहीं करती, बट अगेन सीरीज के स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। साथ ही ये सीरीज कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पर भी अपना फोकस करती है, जैसे कि टेररिस्ट को कैसे बनाया जाता है, वो प्रोसेस क्या होती है। तो अगर आपको ऐसी सीरीज देखना पसंद है, तो आपको ये किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको एंड तक बांधे रखती है। नंबर 3 की वेब सीरीज को मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए देखना शुरू किया था बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पाई थ्रिलर इंडियन वेब सीरीज। और मैं जिस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है वुड सेलेक्ट पर अवेलेबल क्रैकडाउन विद 7.4 IMDb रेटिंग। ये इंडिया की कुछ अंडररेटेड वेब सीरीज में से एक है। इसके सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो है इसका स्क्रीन प्ले। अरे क्या स्क्रीन प्ले है यार, 8 एपिसोड्स की सीरीज है, जिसमें करीब हर एक एपिसोड 30-35 मिनट लॉन्ग है, बट फिर भी कहीं पर भी आपको ये सीरीज बोर नहीं करती। बीच बीच में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब इस सीरीज में ट्विस्ट खत्म हो चुका है, या फिर बस एक यही सबसे बड़ा सस्पेंस था, लेकिन बार बार आपको इसमें पता चलेगा कि अरे अभी तो ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कैमरा वर्क सभी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अगर इसकी स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें हैं साकिब सलीम, इकबाल खान, अंकुर भाटिया, श्रेया पिलगांवकर एंड राजेश तेलंग। अब जो अगली दो वेब सीरीज हैं, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है, उन सभी को पहले से ही पता है कि टॉप 2 वेब सीरीज में तो इन दोनों का ही नाम होगा, जिसमें से एक है स्पेशल ऑप्स। बेबी मूवी तो आपने देखी रखी होगी, जो कि खुद अपने आप में इंडिया की नंबर 1 स्पाई थ्रिलर मूवी है। उसी मूवी के डायरेक्टर नीरज पांडे ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है, और यार क्या कमी है इस सीरीज में, एकदम परफेक्ट वेब सीरीज बनाई है। और साथ ही के मेनन सर, ओहो भाई, नीरज पांडे और के मेनन, ये दोनों मिलकर इस सीरीज में आग लगा देते हैं। इसके 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, वैसे ने कम्प्लीट 2 सीजन बोलना तो सही नहीं होगा, क्योंकि मेकर्स ने इसके सेकंड सीजन को 1.5 नाम दिया है। बट एनीवे, आप इसे 1.5 कहो या फिर सीजन 2, आपकी मर्जी। ये अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नंबर 1 ऑफ कोर्स द फैमिली मैन। देखो, जो स्पेशल ऑप्स एंड द फैमिली मैन वेब सीरीज मैंने आपको बताई है, इन्हें देखकर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुझे किसी हॉलीवुड सीरीज जैसी फील देती हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये दोनों सीरीज इंटरनेशनल सीरीज को सीधा टक्कर दे सकती हैं, वो भी बिना किसी डाउट के। एंड द फैमिली मैन के तो यार क्या ही बात करें, जब इसका फर्स्ट सीजन आया था तभी ये सीरीज नंबर 1 बन गई थी, और सीजन 2 के आने के बाद तो भाई खत्म, इसने अपने बराबरी की कोई सीरीज छोड़ी ही नहीं। ये सीरीज उन चुनिंदा वेब सीरीज में से एक है जिसका सेकंड सीजन मुझे पहले सीजन से भी ज्यादा धमाकेदार लगा। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी और यार एक्टिंग की तो बात ही मत करो। मैं चाहकर भी सीरीज में एक भी गलती नहीं निकाल सकता। 2 सीजन 19 एपिसोड्स के साथ ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, और IMDb पर इसे मिली है 8.8 रेटिंग। स्पाई थ्रिलर सीरीज की बात चली रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो स्पाई थ्रिलर मूवीज पर भी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और देखना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज मैंने शुरुआत में इस चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहा, लेकिन अब याद दिला देता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, ताकि आपको आगे ऐसी मूवी सीरीज की रिकमेंडेशन और रिव्यूज मिलते रहे। मैं जल्दी आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।